दोस्तों सब्सक्राइब करो टेक्नोबाज को और प्रेस करो इस घंटे को ताकि आप देख पाओ वीडियोस सबसे पहले। हे व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सभी। तो मैं Redmi Note 4 को पास्ट 9 मंथ से यूज कर रहा हूं और मैं Redmi 4 को, तो आज हम दोनों आपको मिलकर बताएंगे कि किस फोन की पिक्चर क्वालिटी कैसी है और कौन सा फोन का कैमरा वर्क कर रहा है परफेक्टली आफ्टर लॉन्ग टाइम। आफ्टर ऑल दिस फोन इज बेस्ट सेलिंग फोन इन द मार्केट। बिल्कुल सही बात है, पोस्टमार्टम तो बनता ही है। जी हाँ बिल्कुल। तो जानेंगे इस वीडियो में कि ये फोन आपको लेना चाहिए या नहीं, और अगर आप ले भी रहे हैं फोन तो कौन सा ले, Redmi Note 4 या फिर Redmi 4। So without any further delay, let's get started. This is Ayan. No. Just shut up. I'm just saying, na. Just keep quiet. He is Ayan, and you are watching us on my channel, Technobuzz. Redmi Note 4 एंड Redmi 4, इन दोनों का डिस्प्ले बहुत ही कमज़ोर है एंड कोई गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी नहीं दी गई है। स्क्रैचेस लगना तो इसमें बहुत ही आम बात है। मीन्स अगर आप अपने की चेन को और अपने स्मार्टफोन को अगर एक ही पॉकेट में रखे हुए हैं तो इसमें स्क्रैचेस आसानी से लग जाते हैं। हम अगर Redmi 4 में कर्व्ड ग्लासेस मिलते हैं जो इसके लुक में चार चांद जोड़ते हैं, साथ ही ये 5 इंच की डिस्प्ले जो है इसको प्रीमियम क्वालिटी का बनाती है। जहाँ तक थिकनेस की बात आती है तो ये दोनों ही स्मार्टफोन बहुत ही थिक हैं और इसका लगभग कोई कंपैरिजन ही नहीं है मार्केट में इस बजट में इतना थिक स्मार्टफोन। और अगर बैक पैनल की हम बात करते हैं तो इसके बैक पैनल में काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेज आ जाते हैं, जैसे कि ये जो Redmi Note 4 का ग्रे वर्जन है इसमें आप देख सकते हैं स्क्रैचेज आपको साफ दिख रहे होंगे, और ब्लैक वर्जन में अगर स्क्रैच आते भी है तो वो ज़्यादा पता नहीं चलता है आपको। तो आप जब भी प्रीफर करें ये ब्लैक वाला ही लें। जहाँ तक कैमरे ग्लास की बात है तो Redmi 4 में एक कैमरे ग्लास के ऊपर आउटर प्रोटेक्शन दिया हुआ है और Redmi Note 4 में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। जहाँ तक आपको इसका रिजल्ट दिख रहा है, इसका जो कैमरा ग्लास है आसानी से ब्रेकेबल है। इसकी बैटरी एंड प्रोसेसर दोनों ही बहुत अच्छे हैं। प्रोसेसर की बात करें तो काफ़ी स्मूथ वर्किंग है एंड सारे एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव है, कोई लैगिंग नहीं है एंड बैटरी बैकअप भी ऑलमोस्ट 19-20 आवर्स की है विद इंटरनेट कनेक्शन। हाँ अगर आप प्रोसेसर के लिए जाना चाहें तो Redmi Note 4 मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसका जो Redmi Note 4 का प्रोसेसर है मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी स्मूथ वर्किंग है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको स्पीकर नीचे बॉटम साइड पे मिल जाएगा और दोनों ही स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा अच्छा अगर मुझे स्पीकर लगा तो वो है Redmi 4 का। Redmi Note 4 का स्पीकर भी अच्छा है बट अप टू मार्क नहीं है जितना Redmi 4 का है। दोनों ही स्मार्टफोन के बटन्स एंड हेडफोन जैक बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहे हैं आफ्टर 8 मंथ भी। लेकिन जो Redmi 4 का फिंगरप्रिंट सेंसर है वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा। मीन्स कभी वर्क करता है और कभी वर्क नहीं करता, ऑलमोस्ट नहीं ही करता है। मुझे हर बार पासकोड से ही ओपन करना होता है अपना फ़ोन को और फिंगरप्रिंट लगता है मुझे दिखाने के लिए Redmi 4 में है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, बट ये फिंगरप्रिंट सेंसर आफ्टर 8 मंथ वर्क नहीं कर रहा है। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम आती थी बट अभी जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और अगर Redmi Note 4 की बात करें तो इसके फिंगरप्रिंट सेंसर में कोई प्रॉब्लम आया ही नहीं है। ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है और मुझे आप देख सकते हैं काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। मैंने तुरंत क्लिक किया और यहाँ पर तुरंत ओपन भी हो गया, तो इसका फिंगरप्रिंट मैं 5 स्टार दूंगा। तो अब हम इसकी टेस्ट करेंगे गेमिंग परफॉर्मेंस और प्रोसेसर इसका कैसा काम कर रहा है। मैंने दोनों गेम को साथ ही लोड किया है और आप देख सकते हैं Redmi 4 में गेम ओपन भी हो चुका है और Redmi Note 4 अभी लोड हो ही रहा है। तो Redmi 4 का यहाँ पे प्रोसेसर काफ़ी तेज़ वर्क कर रहा है बजाबते Redmi Note 4 के। और यहाँ पे मैं दोनों गेम को साथ शुरू करूँगा और बाद में हम टेस्ट करेंगे इसकी बैटरी को कि इसकी बैटरी कितनी हीट होती है। तो दोनों गेम मैंने साथ में शुरू किया और मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ताकि आप देख सकें। Redmi 4 की बैटरी थोड़ी ज़्यादा हीट करी है बट MIUI 9 का अपडेट आ चुका है, अगर आप उस अपडेट को कर लेंगे तो हो सके Redmi 4 का जो है बैटरी का ज़्यादा हीट नहीं करे। यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस Redmi 4 की बैटरी हीटअप हुई है और 44.2 डिग्री सेल्सियस Redmi Note 4 की है। तो आप Redmi MIUI 9 अपडेट कर लें ताकि आपकी जो बैटरी बैकअप है वो अच्छी हो और बैटरी ज़्यादा हीट भी ना करे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज़ Ayan साइनिंग आउट।